हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं, तो आज मैं आलू का चिप्स बनाऊंगी। तो आलू का चिप्स खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है, तो इसे मैं देखिए मैं किस तरह से काट रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, चिप्स को हमने काट लिया है। देखिए किस तरह से काटा है, ना ज़्यादा मोटा है ना ज़्यादा पतला है, मीडियम साइज का हमें काटना है। तो इसी तरह हम सभी को काट लेंगे। तो देख सकते हैं दोस्तों, चिप्स को हमने काट लिया है। तो इसे मैंने पानी में डाल लिया है, पानी में इसलिए डाला है ताकि हमारे चिप्स काले ना पड़े। तो इसी तरह हमने सभी को पानी में डाल लिया है। अब इसे मैं अच्छे से आलू के चिप्स धो साफ कर लूँगी, और इसे मैं साफ करके पूरे रात भर के लिए इसे पानी में डाल के रख लूँगी ताकि हमारे आलू काले ना पड़े। तो देखिए दोस्तों, ये आलू को मैंने 3 से 4 पानी में धो लिया है। तो इसे मैं अब पूरे रात के लिए इसे पानी में भिगो के रखूँगी ताकि आलू हमारे काले ना पड़े। तो दोस्तों इसमें मैं पानी भर के रख दूँगी, पूरा ऊपर तक हमें पानी भर के रखना है ताकि आलू ऊपर हमारे नीचे नीचे रहे आलू पानी। तो देखिए दोस्तों, इसे मैंने पानी में से निकाल लिया है चिप्स को। देखिए किस तरह से वाइट वाइट निकला है ये। तो मैं इसे पानी में पकाऊंगी, भाप लगाऊंगी इसमें। तो देख सकते हैं दोस्तों, पतीले में मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया है। तो इसे हम गर्म होने देंगे पानी को। तो इसमें हम दो चम्मच सेंधा नमक डाल देंगे। सेंधा नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ ताकि हम इसे व्रत में भी खा सकें। तो दोस्तों ये देखिए, 2 चम्मच इसमें मैं सेंधा नमक डालूँगी। तो पानी को हम गर्म होने देंगे। तो दोस्तों इसे हम ढक के रख देंगे ताकि जल्दी हमारा पानी गर्म हो जाए। तो देख सकते हैं दोस्तों, पानी हमारा गर्म हो चुका है। तब इसमें मैं चिप्स डालूंगी। तो देखिए दोस्तों, चिप्स को मैं इसमें डाल दे रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, सभी को हमने चिप्स को डाल दिया इसमें पानी में। तो इसे मैं ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, 50% तक पकाऊंगी ताकि चिप्स हमारे बस हल्का सा पक जाए, ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे। तो ये ज़्यादा पकाने से चिप्स हमारे टूट जाते हैं, इसलिए मैं बहुत ही कम पकाऊंगी, कम से कम 2 मिनट के लिए। तो इसे मैं ढक के रख देती हूँ। तो दोस्तों इसी तरह तो इसको हम अलट पलट चिप्स को करते रहेंगे ताकि चिप्स हमारे नीचे वाले ज़्यादा पक ना जाए, इसलिए हम नीचे वाले ऊपर कर देंगे इस तरह से धीरे धीरे आराम से करेंगे ताकि चिप्स हमारे टूटे ना। तो देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो चुके हैं, चिप्स हमारे पक चुके हैं। तो गैस मैं बंद कर देती हूँ अब। तो देखिए दोस्तों, इस तरह से हमें पकाना है। देखिए ये मैं आपको मोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखिए बिल्कुल टूट नहीं रहा है चिप्स। तो इसी तरह हमें चिप्स को पकाना है, ज़्यादा पकाना नहीं है। तो ये देखिए मैं दोनों तरफ से आपको दिखा देती हूँ, किसी भी तरह से ये टूट नहीं रहे हैं। तो चिप्स हमारे पक चुके हैं, तो चलिए अब इसे हम फैलाते हैं। तो देखिए दोस्तों, चिप्स को मैंने सभी को फैला दिए हैं। तो अब इसे हम सूखने देंगे, ये 102 दिन में सूख के तैयार हो जाएंगे चिप्स। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से चिप्स हमारे बनके तैयार हुए हैं। तो देखिए दोस्तों, चिप्स सूख के हमारे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो देखिए किस तरह से सूख गए हैं, और बिल्कुल सही तरीके, बिल्कुल बड़े बड़े हैं, टूटे नहीं हैं बिल्कुल भी। तो मैं इसे मैं फ्राई करके दिखाती हूँ मैं आपको। तो देख सकते हैं दोस्तों, किस तरह से बिल्कुल वाइट वाइट चिप्स हमारे निकल रहे हैं।
फ्राई होके, तब मैं इसे निकाल लूँगी। देखिए दोस्तों, तो देखिए दोस्तों चिप्स को मैंने फ्राई कर लिया है। देखिए किस तरह से दिख रहा है, ये देखिए कितना कुरकुरा है ये। तो इसी तरह हम चिप्स को बना के साल भर के लिए रख सकते हैं। और इसे इसमें मैंने सेंधा नमक डाला है, इसे हम व्रत में भी खा सकते हैं। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में दोस्तों, बाय बाय।